शिवराज बोले, ढोल ताशे बजाए, कोई रोकेगा तो मैं देख लूंगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सीहोर में कहा, लाडली बहनों को लखपति बनाने का अभियान चलाऊंगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डीजे बैंड वालों से कहा, आप ढोल बजाओ, ताशे बजाओ, आप बैंड बजाओ, कोई रोक नहीं है, कोई रोकेगा तो मैं देख लूंगा। यह बात उन्होंने शनिवार शाम सीहोर के भैरुंदा में कही। पूर्व सीएम के इस बयान के बाद बैंड बाजा संचालकों में खुशी देखने को मिली। भैरुंदा के डीजे बैंड और ढोल ताशों के संचालक मध्य प्रदेश सरकार के कोलाहल नियंत्रण नियम को लेकर उनसे मिलने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि इस घटनाक्रम से ठीक एक दिन पहले यानी शुक्रवार को बोधनी विधानसभा क्षेत्र के डीजे संचालक भोपाल सिंह 74 बंगला पूर्व सीएम शिवराज से मिलने पहुंचे थे, जहां उन्होंने सरकार के लगाए गए प्रतिबंध से रोजी रोटी छीनने की बात कही थी। पूर्व मुख्यमंत्री ने इन्हें आश्वस्त किया था कि आपके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। डीजे संचालकों के मुताबिक उनकी मांग के बाद पूर्व सीएम ने कलेक्टर से मोबाइल पर बात भी की थी। कहा, गरीब के बच्चे शानदार स्कूल में पढ़ेंगे। समर्थकों ने पूर्व मुख्यमंत्री का मंच बनाकर स्वागत भी किया गया। इस दौरान शिवराज ने कहा कि लाडली बहना को लखपति बनाने का अभियान मैं चलाऊंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। भांजे भांजियों की पढ़ाई के लिए शानदार सीएम राइज स्कूल बन रहा है। गरीब के बच्चे भी शानदार स्कूल में पढ़ेंगे, चिंता मत करना। रोड स्वीपिंग व स्काई लिफ्ट मशीन को हरी झंडी दिखाई। शिवराज नगर परिषद भैरुंदा द्वारा आयोजित स्वागत कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां करीब 85 लाख के रोड स्वीपिंग मशीन व स्काई लिफ्ट मशीन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एक चिकन शॉप संचालक भी शिवराज के पास आवेदन लेकर पहुंचा। उसने कहा, साहब हमें एकदम बंद कर दिया गया है, जहां भी अनुमति के लिए जा रहे हैं कोई सुन नहीं रहा है। इस पर शिवराज ने कहा, मैं इस बारे में भी बात करूंगा। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मुख्यमंत्री के पद तो आ जा सकते हैं, लेकिन मामा और भाई का पद कभी कोई नहीं छीन सकता। शिवराज ने कहा, कहीं ना कहीं कोई बड़ा उद्देश्य होगा यार, कई बार राज तिलक होते होते वनवास भी हो जाता है, लेकिन जरूर किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। बुधनी के शाहजहा में उनकी बातें सुनकर लाडली बहनें गले लग कर रो पड़ी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।